हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे व्यूअर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सिंथेटिस के बारे में वीडियो बनाइए, तो आज से आपका सिंथेटिस का एपिसोड शुरू हो चुका है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंथेटिस बताने वाला हूं, जो ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते इसको हम। देखिए, सिंथेटिस होता क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। सिंथेटिस इट मीन्स जब भी सिंथेसिस किया जाएगा तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कंपाउंड बनाएंगे। मतलब कि एक सेंटेंस का कभी भी सिंथेसिस नहीं हो सकता मेरे भाई। अगर मान लीजिए एक सेंटेंस अगर यहां पे लिखा है आई एम बॉय, फिर यहां पे लिखा है कि आई एम टीचर, अगर ये सेंटेंस है तो यहां पे देखिए फुल स्टॉप है, मतलब ये सेंटेंस अलग है और ये सेंटेंस अलग है। जब दो सेंटेंस होंगे तो दोनों सेंटेंस को मिला के जो हम एक सेंटेंस बनाएंगे वो हमारा सिंपल में हो सकता है, कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड में भी हो सकता है। अब इसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं। अब इन तीनों को बनाने का नियम अलग अलग है कि कैसे सिंपल बनाते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स, और क्या रूल है कि हम उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। इन तीनों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरत है, ठीक है। ध्यान रहे कि एक वाक्य का कभी भी सिंथेसिस नहीं हो सकता। एग्जाम में कैसे पूछेगा आई एम बॉय, आई एम अ टीचर, ऐसे लिखने के बाद यहां पर लिख देगा कॉम्प्लेक्स, या यहां पर लिख देगा कंपाउंड, या यहां पर लिख देगा सिंपल सेंटेंस। आपको रूल पता रहेगा तभी ना कर सकते हो ना मेरे भाई, तभी तो कर सकते हो ना, अन्यथा कैसे कर सकते हो। या आपको तीन रूल बहुत छोटे दिखाई देंगे, तीन सेंटेंस है, बट बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी चीज बताऊंगा। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो सिंथेटिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में, फिर कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कंपाउंड भी क्लियर करवा देंगे मेरे भाई। क्या कंपाउंड भी क्लियर। यहां पे तीन चीज पढ़ना पड़ेगा, यहां पे तीन चीज देखिए। पहला होता है हमारा पार्टिसिपल, किसके बारे में पार्टिसिपल। फिर दूसरा होता है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको मैं यहां पे लिख के दे देता हूं, है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो गया, फिर तीसरा क्या होता है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तीन रूल हो गए, उसके बाद चौथा रूल क्या है आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा, है ना, इन्फिनिटिव भी पढ़ना पड़ेगा। इन्फिनिटिव के बाद आपको लास्ट में पढ़ना है एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या पढ़ना है एडजेक्टिवल फ्रेज। मतलब इतना रूल आपको सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एग्जाम में पूछेगा तो समझ में नहीं आएगा कि पार्टिसिपल है। अब देखो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। फिर यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसका क्या रूल है, नाउन फ्रेज इन पोजिशन, एडजेक्टिव इन्फिनिटिव और लास्ट में एडजेक्टिव फ्रेज। इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप में वीडियोज में आपको निकाल निकाल के बता दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मैं आपको वीडियो के लास्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल टेस्ट के लिए भी दे दूंगा, जिसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है ना, हर एक वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, सिंपल सेंटेंस तो मैं कल से शुरू करता हूँ, पार्टिसिपल कल से मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। आपको समय आओगा, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, जय हिंद, थैंक यू गाइस।